हेलो फ्रेंड्स, मु अनिता सारोडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानको स्वागत करुची। ओटीटी पे हमर किसी इंग्लिश पेडागोजी जो छड़ा जाइथिला, हमर दुटा क्लास छड़ा जाइथिला, तापर हमर क्लास बंद थिला। एक्चुअली हमर टीआरटी पिलांग पई छड़ा जाउथिला हमर सब क्वेश्चंस तांग पई, तो एक्चुअली सेत पई टाइम दे हो नथिला। तो आज ठू आमे पुणी ओटीटी पे हमर क्लास स्टार्ट करबा। आज मु आपण मानको पई इंग्लिश रो सेमती किसी पेडागोजी रिलेटेड किसी क्वेश्चंस नै के आछी, तो जहाँकि आपणकर एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे, तो आपण मानक जब भल लगे ये सेक्शनटा तेल लाइक करेंगे, सेयार करेंगे, और जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे अधिका आपण को इनफर्मेसन। तो चलतु आम टाइम वेस्ट नक स्टार्ट करवामर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन टी रोचे, इंग्लीश लांगुएज हाज पोटेनसीआलीटी फर पावरफुल कम्युनिकेसन बिकज अफ इट्स डैश। इंग्लीश लांगुएजटा आर पोटेनसीआलीटी अधिक कम्युनिकेसन कौन पर रोचे, आम कौन पर बेसी आम पोटेनसीआलीटी आर रोचे, रिच लिटरेचर पर ना, रिच वोकैबुलरी ना, इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी ना, लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न्स पर, चारटा रोचे आम ऑप्शन। आउ राइट ऑप्शन रण ना, आमर ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन राइट आंसर इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज आमर तार बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रोचे लैंग्वेज रहा आम अधिका कम्युनिकेशन आम बेस पोटेंशियलिटी रोचे। ठीक अच्छे, चल जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर टू रोचे, इन्फ्लुएंस इज मोस्टली यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डैश। इन्फ्लुएंसटा मोस्टली कौटी यूज होता है, कौ प्रोसेस यूज होता है, ऑप्शन ए लिसनिंग ना, स्पीकिंग ना, रीडिंग ना, आम राइटिंग, चारिटा भितर कौरे बेसी आम इनफ्लुएंसटा मोस्टली यूज होता है। राइट आंसर कौन रहा, ऑप्शन सी रहा राइट आंसर, रीडिंग रे यूज होता है। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिकोडिंग इज रिक्वायर्ड इन डैश। डिकोडिंगटा आमर मैंने कौरे दरकार होता है, रीडिंग रे दरकार हुए ना, स्पीकिंग रे दरकार हुए ना, लिसनिंग रे दरकार हुए ना, राइटिंग रे दरकार हुए, चारिटा भितर आमर एनकोडिंग डिकोडिंग एगुड़ा आप जानते एनकोडिंग कौथे आउ डिकोडिंग कौटे। डिकोडिंगटा आमर कौथे ना, आमर जड़े सेंडर जो पठेब तापर से देखला पर डिकोडिंगटा दब सी, तो सी कौन ना यार आम जी हूँ रीडिंग कर सी हूँ डिकोडिंग आमर रहिबो होची, से डिकोडिंग करि परिबो, जे पढ़िबो से डिकोडिंग करिबो। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर रहिबो ए, ऑप्शन एटा रहिबो आमर राइट आंसर। ठीक अच्छे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा। ट्रेसिंग मेथड रिक्वायर ए चाइल्ड टू डैश। ट्रेसिंग मेथड जो रहुची आमर, तो सीटा आमर कौन रिक्वायर्ड करे, राइट ऑन ए पीस ऑफ ब्राउन पेपर ना, राइट इन डॉटेड लाइन्स ना, कॉपी द लेटर्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड्स ना, बोथ ए आउ बी, ये चार्टा ऑप्शन भितर कौटार राइट आंसर रहा ना। ट्रेसिंग मेथडटा जो रोचे गोटे चाइल्ड रण रिक्वायर्ड करे से कौन ना, ऑप्शन बी रार राइट आंसर, कौन ना, राइट इन डॉटेड लाइन मान गोटे डॉट डॉट लाइन दि जाइर सी लिख ट्रेस करके लिख छुआटा से क्या ट्रेसिंग मेथड, तो से तार राइट आंसर रोचे ऑप्शन बी, राइट इन डॉटेड लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा, कॉम्प्रिहेंशन्स इज बेटर इन डैश। जो कॉम्प्रिहेंशनटा आमर कौटी मैंने बेटर हो पार गोटे होल क्लास रे हम ना गोटे लार्ज क्लास लार्ज ग्रुप रे पार ना स्मॉल ग्रुप रे पार ना नन अफ दे राइट आंसर रण ना आमर गोटे स्मॉल ग्रुप रे ही कॉम्प्रिहेंशनटा बेटर हो पार कहीं आमर गोटे छोट ग्रुप नि आम भल भाव कॉम्प्रिहेंशनटा आम भल पार होल ग्रुप होल क्लास कि लार्ज ग्रुप एगुड़ा हेनी तेणुक राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी स्मॉल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल रिसाइटिंग ए पोएम वन कैन एंजॉय इट्स डैश। जितेबले आम कौन ना गोटे पोएमटा को आम हो मानने रिसाइटिंग मानने कौन आवृत्ति करती जो रिसाइटिंग आवृत्ति करवा जो आवृत्ति कराए तो तार मानने कौन आम एंजय करती मैंने आर राइम आउ रिदिम ना म्यूजिक्स ना आइडिया ना बोथ ए एंड बी मैंने राइम्स रिदिम आउ म्यूजिक तो आर राइट आंसर कौन रहा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आमर बोथ रहिबो ए आउ बी ए दुटा हाँ आम एंजय करती जो आम गोटे पोएम को आम आवृत्ति करती तो सेतबले आम बोथ ए दुटा जाक एंजय करती। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल जा,
ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତା'ର ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଆଇଡ଼ିଆ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା କରେକ୍ଟ ୟୁସେଜ୍, ଆ ଭିତରୁ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ମାନେ କେଉଁଟା ରହିବ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା'ର ତା ନିଜାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତା'ର ଦରକାର, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଥ୍ରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଡ୍ରନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଲା ଆଉ ହେଉଛି ତା ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରୁ ଆମେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍କୁ ଯିବା, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କି ମେଥଡ଼ ସେଇଟା କୁହାଯିବ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ନା ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ନା ଆନାଲାଇଟିକ୍ ନା ସିନ୍ଥେଟିକ୍, ଚାରିଟା ଭିତରୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଚାରିଟାରେ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ କୁହାଯିବ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଆର ଏ ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହୁଛି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶରେ। ଅପସନ୍ ଏ ରହୁଛି କ'ଣ, ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ଇନ୍ଟୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟଟ୍। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ଇଣ୍ଟୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ। ମଦର ଟଙ୍ଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ଛୁଆକୁ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିବ, ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ଇଣ୍ଟୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସମେଟିଭ୍, ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଆଉ ଆମର ରହୁଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ସେହିସବୁ ରହୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ଟା କ'ଣ ରୁହେ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ଟା ରହିବ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗଠନମୂଳକ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କି କ'ଣ ସେଇଟା ରହିବ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି କ'ଣ, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ତ ସମେଟିଭ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍, ନା ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍, ନା ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆର୍ ଟ୍ରୁ, ନା ଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସମେଟିଭ୍ଟା ରହୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି ଆମର ଯେଉଁ ଷାଡ଼ମାସିକ ହେଉ କି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁ ରହୁଛି ସମେଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ, ତ ଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ର ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ମାନେ ଇଂଲିଶଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, କ'ଣ ପାଇଁ ଆର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ପାଇଁ ତ ଇଂଲିଶଟା ଆମର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି, ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ, ନା ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ, ନା ମଲ୍ଟି ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ, ନା ଅଲ୍ ଏଭଭ୍ ଯୋଗୁଁ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପେଲିଂ କରେକ୍ଟଲି ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସ୍ପେଲିଂଟା ଆମର କରେକ୍ଟଲି ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମାନେ ଲିସନିଂ ନା ରିଡ଼ିଂ ନା ସ୍ପିକିଂ ନା ରାଇଟିଂ, କ'ଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପେଲିଂ କରେକ୍ଟଲି ଆମର ରିକର୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ରାଇଟିଂ, ରାଇଟିଂରେ ଆମର ନିହାତି ସ୍ପେଲିଂ କରେକ୍ଟଲି ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ରହୁଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏନ୍କୋଡିଂ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମର ଡିକୋଡିଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ତ ଡିକୋଡିଂ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ପଢ଼ିବ ସେଣ୍ଡର ଯିଏ ପଠାଇବ ତ ଏନ୍କୋଡିଂ ସେ କରିବ, ତ ଆମର ଯିଏ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ରାଇଟିଂ ଯିଏ ଲେଖିବ ସେ ହିଁ ଆମର ଏନ୍କୋଡିଂ କରିବ, ତ ଏନ୍କୋଡିଂଟାର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କିଏ ନା ରାଇଟିଂଟା ଆମର ଏନ୍କୋଡିଂ ପାଇଁ ଦରକାର, ତ ରାଇଟିଂଟା ଦରକାର। ଯିଏ ଡିକୋଡିଂ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଣ୍ଡର ପଠାଇବ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିବ ତା'ପରେ ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେବ ତ ତାକୁ ଡିକୋଡିଂ କୁହାଯାଏ, ଏନ୍କୋଡିଂଟା ରାଇଟିଂ ବେଳେ ଯିଏ ଲେଖୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ଏନ୍କୋଡିଂ କରିବ, ତ ଏନ୍କୋଡିଂଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରେ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଚକ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍।
हैंड एंड फिंगर मूवमेंट इन ए ट्रे ऑफ सैंड विथ ए पीस ऑफ चॉक इटा माने को मेथड अमर जो किंडरगार्टन मेथड ट्रेसिंग सो चारटा प्रकार मेथड रहूची ता भितर को मेथड रे इटा अमर माने प्रोवाइड करा जाय आर राइट आंसर रहइबो कोन ना अमर रहइबो एफजी फ्रेंच मेथड एफजी फ्रेंच मेथड रे हैंड और फिंगर रो मूवमेंट को करा जाय सैंड माने गो बाली रे पीस ऑफ चॉक रे से माने लिखिबे छोटो छुआ मान को दिया जइबो तो सेटा होची तो एफजी फ्रेंच मेथड बोली कुहा जाय ऑप्शन सी होची आरा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू नॉलेज इज प्लेस्ड ड्यूरिंग डैश केतेले नुवा नॉलेजटा माने दिया जाय आमर जतले गुटे टीचर आसी क्लास करे तो फर्स्ट आमर कोन इंट्रोडक्शन करइबो प्रेजेंटेशन तापर इवैल्यूएशन करइबो तार स्टेप बाय स्टेप सब रहूची तो जतले नुवा नॉलेज से केतेले तबो माने नॉलेज जतले शेयर करइबो सेटा को माने को स्टेप रे ही करइबो सेटा इंट्रोडक्शन बेले ना प्रेजेंटेशन बेले ना इवैल्यूएशन बेले आर राइट आंसर रहइबो ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन बेले प्रेजेंटेशन जतले दबो तो सेतबेले से कोनटा पढिबे कोन सी नॉलेजटा ही से छुआ मानको दे परिबे प्लेस दे परिबे उसी टाइम रे तो राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन पोएट्री इज ए लेसन ऑफ डैश पोएट्री टा कौन मैं लैंग्वेज ना लिटरेचर ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द एबव चारिटा ऑप्शन रहूची तो आर राइट आंसर रहइबो लिटरेचर ऑप्शन बी होची आरो राइट आंसर लिटरेचर होची आरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन The first thing one needs in composition is dash. माने गोटे जड़े कंपोजिशन जो करिबो तो तार प्रथम तारापी कौन दरकार ऑप्शन ए लैंग्वेज ना ऑप्शन बी आइडिया ना ऑप्शन सी करेक्ट एक्सप्रेशंस ना आइडिया एंड सिक्वेन्स चारिटा भितर कौन आर माने जो फास्ट गोटे कंपोजिशन करिबो जड़े तार फास्ट आइडिया थी दरकार ऑप्शन बी रोचे तार राइट आंसर कंपोजिशन फास्ट प्रथम कौन दरकार ना आइडिया दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल टीचिंग ग्रामर द मेथड यूज्ड इन डैश जो ग्रामर जो पढ़ा जाए तो कौ मेथड रे पढ़ा जाए माने आमर सब अलग अलग मेथड रोचे तो माने केमती कौ मेथडटा यूज होता है आर एक्सप्लेनेशंस ना कंप्रेंशंस ना इंडक्टिव ना एक्सपोजिशंस आर राइट आंसर रहइबो ऑप्शन सी इंडक्टिव मेथडटा टीचिंग ग्रामर जो पढ़ा जाए इंडक्टिव मेथडटा यूज होता है ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुईज प्लेज एन इम्पोर्टाट रोल इन लांगुएज लर्निंग कौटा गोटे लांगुएज लर्निंग रोटे इम्पोर्टाट रोल प्ले करे नाचुराल अर्डर अफ लांगुएज स्किल ना एक्सपोजर्स ना मोटिवेशंस ना प्राक्टिस ऑप्शन सी रहिबो यार करेक्ट आंसर मोटिवेशन टा गोटे लांगुएज लर्निंग निहाती आवश्यक तो मोटिवेशन थिले जने लांगुएज ठीक रे माने यार गोटे इम्पोर्टाट रोल मोटिवेशन रोचे जे लांगुएज शिखापी तो मोटिवेशन हूँ यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हूँ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फीडबैक हेल्प्स इन डैश जो फीडबैक आम नि मैंने गोटे पढ़ा हे तापर आम हूँ क्लास हम तप लास्ट को जो फीडबैक निया जाए तो फीडबैकटा कौन पाई कौन हेल्प करे असेसमेंट ऑफ लर्निंग्स ना नोइंग द लिमिटेशन इन ट्रांजेक्शन्स ना रिडिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी ना ऑल ऑफ अबव राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिडिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी जो फीडबैकटा निजी गोटे छुआ पाखु कौटा प्रॉब्लम रहा कौन हो पार तार नेक्स्ट मानने भल बेटर पढ़ाई पार तो से फीडबैक निजाए तो सहीटा से तार राइट आंसर है ऑप्शन सी रिडिजाइनिंग करने टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजीटा के रिडिजाइनिंग मैं नुआ आउ कि चेंज हम कि सहीटा ठीक रोचे तो से फीडबैक निजाए फीडबैकटा से भी हेल्प करे तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ठीक अच्छे तो ये किसी क्वेश्चन से आपण मानी इंग्लीश पेडागोजी उपर रिलेटेड तो नेक्स्ट क्लास रे भी मु अलग सोशल स्टडी हो कि आम अलग रोचे नहीं कि आसबी जदि आपण मानक कौटा दरकार कौन मैंने कौटा पढ़े बेटर हम कि आज किसी सजेसन देते तो आपण मैंने निश्चित कमेंट बक्स में लिखे आदि सेक्शन टा भल लगी तो आपण मैंने लाइक करेंगे सेयार करेंगे आउ सब्सक्राइब कर भूलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करूँ नेक्स्ट आल भल भिड पाइबापी ठीक अच्छे तो थैंक यू।